वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ मल्टीटास्क इडली पॉट। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना एंड ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब के लिए जो बेल आइकन दी गई है छोटी सी उसको क्लिक जरूर करना। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था ऑल इन वन मल्टीटास्क इडली पॉट। एंड जैसे कि ये इडली पॉट जो है वो मार्केट में अलग अलग वैरायटीज में एंड अलग अलग क्वालिटी में होते हैं, जैसे कि लो क्वालिटी में हाई क्वालिटी में रहते हैं। सो लेडीज जो लोग हैं वो काफी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा बेस्ट है इडली पॉट जो कि काफी अच्छी तरीके से मतलब लॉन्ग लास्टिंग चले एंड उसकी क्वालिटी भी वो काफी बेस्ट हो। तो मैं आज आपको ये कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ एंड सजेस्ट करने आई हूँ एलआईसी का ऑल इन वन मल्टीटास्किंग इडली जो ये पॉट है मैंने अमेजोन से परचेस किया था। सो मैं इसका ही आपको रिव्यू जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं इसको आपके साथ अभी अनबॉक्सिंग करके बताती हूँ। सो इडली पॉट एंड इसमें 3 प्लेट्स दिए गए हैं जो कि इडली नॉर्मल साइज की इडली बनाने के लिए काफी अच्छे हैं। ऐसे ही 3 प्लेट्स हमें इसमें इस पॉट में मिल रही है एंड आप देख सकते हो इसमें जो छोटे छोटे डॉट्स भी दिए गए हैं जो कि आपकी जो इडली को स्टीम अच्छी तरीके से मिले एंड आपकी जो इडली है वो काफी अच्छी नरम बन सके। सो मैं इसको अभी लगा के दिखाती हूँ, जैसे कि ये पॉट में डाल के दिखाती हूँ। जैसे ये वन बाय वन हम ये जो 3 प्लेट है इडली के ऐसे रख के इसमें आपके जो इडली है वो 13 इडली इसमें रेडी होके आपको मिल जाएगी एंड आप इसका जो ढक्कन है वो ऐसे प्रेस करके इजीली ऐसा लगा सकते हो एंड आप गैस पे, या सबसे अच्छी बात तो ये इंडक्शन बेस भी है, आप इसको चाहे तो इंडक्शन पे भी रख सकते हो, स्टीम के लिए रख सकते हो। सो ये मैंने बताया है नॉर्मल इडली प्लेट का, जैसे कि इसके साथ ही हमें जो आपको मिनी इडली बनाना है सो मिनी इडली की प्लेट भी आप देख सकते हो। इसमें मिनी इडली की प्लेट भी इस पॉट में आ जाती है जो कि काफी कम पॉट्स में ये मिलती है, जैसे कि एलआईसी ऑल इन वन मल्टी टास्क पॉट में ये आपको मिल रही है मिनी इडली। एंड इसमें इस प्लेट में आप 18 इडली बना सकते हो, एक ही साथ 18 इडली बना सकते हो। सो काफी अच्छा लगा मुझे ये। एंड इसके साथ ही हमें जो 2 प्लेट्स मिलती है, जैसे कि ये 1 प्लेट जो है वो स्टीम के लिए दी गई है, जैसे कि इसमें हम अलग अलग डिशेज बना सकते हैं जैसे कि मोमोज पात्रा वड़ी वगैरह इसमें अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इसमें स्टील का हैंडल दिया गया है एंड ऊपर प्लास्टिक का दिया गया है, सो आप इसको इजीली ऐसे पकड़ के पकड़ सकते हो। हमारा जो 2nd प्लेट जो दिख रहा है आपको, ये जो है वो खमंग ढोकला वगैरह आप इसमें बना सकते हो, काफी अच्छे तरीके से डीप भी दिया गया है एंड हैंडल भी मैंने बताया, जैसे कि इसमें भी वही हैंडल आता है जैसे स्टील एंड प्लास्टिक का ऊपर दिए गए, सो पकड़ने के लिए काफी इजी है ये। एंड इसकी जो अभी ये पॉट की जो हम क्वालिटी की बात करें, एलआईसी का पॉट जो है उसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है एंड ये जो पॉट है वो चेन्नई में बनाया गया है, सो चेन्नई की जो क्वालिटी रहती है जैसे कि स्टील प्रोडक्ट्स में काफी अच्छी मानी जाती है, सो काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा ये मुझे। जो पॉट है वो फुल्ली स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है एंड आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल भी है वो भी स्टेनलेस स्टील का ही दिया गया है, सो काफी अच्छा ये अनब्रेकेबल नहीं होता है हैंडल। एंड आप देख सकते हो मैं इसको उठा के भी देखा रही हूँ, जैसे कि ये काफी मीडियम वेट में आता है। ये पॉट में मैंने अभी आपको 3 अलग अलग वैरायटीज में जो प्लेट बताई है, जैसे कि आपको अभी एक साथ 3 डिशेज बनानी है अलग अलग पर्सन की सो आप इसमें बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि ये आपने एक इडली स्टैंड रखा एंड आपको छोटा इडली बनाना है सो आप इसको ऐसे रख के दोनों चीज एक साथ बना सकते हो। वैसे जैसे कि आपको पात्रा बनाना हो सो आप इसमें पात्रा का भी स्टैंड लगा के आप इसको भी स्टीम कर सकते हो, मतलब एक ही साथ आपका इडली एंड पात्रा दोनों भी डिशेज आपको रेडी होके मिल जाएंगे। एंड सपोज आपको ये जो है वो मतलब कि खमंग ढोकला बनाना है और साथ ही साथ इडली भी बनानी है सो आप इसको क्लोज करके एक ही साथ 2 डिशेज आपका रेडी हो जाएगा, सो काफी अच्छा मल्टीटास्किंग पॉट है ये। सो ये जो पॉट है वो टू मेक अ सॉफ्ट एंड डिलीशियस इडली मेकर है एंड साथ ही साथ ये इंडक्शन बेस्ड है, मतलब आप इंडक्शन में यूज करना चाहते हो तो ये कंपेटेबल ही है ये पॉट। सो गाइज आज मैंने इस वीडियो में बताया आपको एलआईसी का ऑल इन वन मल्टी इडली पॉट जो कि मैंने ये अपने घर के खुद के लिए मंगाया है अमेजोन से, सो आपको भी ये परचेस करना है। सो मैंने इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा
इडली स्टैंड है ये। एंड सबसे अच्छी बात तो ये आपको, आप इडली स्टैंड लेने का सोच रहे हो सो ये काफी अच्छे रेटिंग में आपको मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है। सो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको ये पसंद आया तो आप बाय भी कर सकते हो। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करना, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।